और सत्ता के खास चटपटी और रोचक खबरों के साथ मैं फिर हाजिर हूं तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर बेबसी और मजबूरी दोनों शब्द अलग अलग हैं लेकिन भाव एक है और बीजेपी के नेताओं के लिए आजकल ये शब्द काफ़ी चर्चित हो गए और उनको काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं हरदोई में पहले श्याम प्रकाश ने सरकार के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए अब सांसद जयप्रकाश ने भी अफसरों पर हमला बोला है बीजेपी नेताओं का ये दर्द है कि वो अफसरों को अपनी आंख के सामने भ्रष्टाचार करते हुए देख रहे हैं और उनको कुछ कह नहीं पा रहे हैं सांसद ने अपनी निधि को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं कि उनके जिले में आज तक वेंटिलेटर नहीं है अस्पताल में जयप्रकाश कोई नए नवेले राजनीतिक नहीं है छह बार सांसद रह चुके हैं बहुत लंबा उनका तीस साल का लंबा कैरियर है राजनीति में तो अगर वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी तो वो अफसरों से बेहद परेशान है अच्छा ये जयप्रकाश जी तो कोई अकेले नहीं है उनके जिले के सांसद विधायक श्याम प्रकाश बोल चुके हैं सीतापुर से बोले विधायक बहराइच से बोले महोबा से बोले तमाम जगहों से चीज़ें आ रही हैं तो क्या वाकई में ब्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधियों को इग्नोर मार रही है सरकार के धन की अगर कहीं बर्बादी हो रही है तो जिम्मेदारी तो सबकी है और जो अपनी निधि दे रहा है उसकी खर्च का हिसाब किताब तो मांगने का हकदार होता ही है भ्रष्टाचार कोई आज का मुद्दा नहीं है या योगी के आने से भ्रष्टाचार अपने आप लुप्त हो जाएगा जिस देश में नस नस में भ्रष्टाचार फैल रहा हो वहाँ इतना आसान नहीं किसी सरकार के लिए कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दें ना कोई ऐसी टानिक बनी ना टिंचर बना ना ऐसा टीका बना कि जिसको लगा दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ये जरूर है कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही ज़्यादा होती है विधायक और सांसद को जनता का काम करना होता है और उनको चुनाव भी हर पांच साल पर लड़ना होता है उनको वोट भी मांगना पड़ता है अब अगर अफसर सरकार के दम पर मनमानी करेगा और सांसद और विधायक जनता के काम का नहीं करा पाएंगे तो स्वाभाविक है कि नुकसान उनको व्यक्तिगत भी होगा और पार्टी को भी होगा बहरहाल बहुत सारे अफसरों पर कार्रवाई हुई है हम उम्मीद करें कि जयप्रकाश जी ने भी जो बिंदु दिखाए सरकार उसकी भी जांच करेगी हो सकता है देर से उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो एक और मामला ऐसे ही अफसर और जनप्रतिनिधि के बीच टकराहट का आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है मामला नगर निगम लखनऊ का है जहां नगर आयुक्त इंदमी तिवारी के खिलाफ मेयर संयुक्ता भाटिया ने पत्र लिखा है कि इनकी विजिलेंस जांच कराई जाए यूडब्ल्यू से जांच कराई जाए भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं इंद्रमणि त्रिपाठी जब से नगर आयुक्त बनकर आए हैं तब से कभी उनके यहाँ कर्मचारी गायब मिलते हैं सफाई कर्मचारियों की जब जांच होती है तो सात सात सौ कर्मचारी गायब मिलते हैं एक एक बार में छः हजार कर्मचारी सफाई लखनऊ के लिए लगे हुए हैं लेकिन लखनऊ को जो लोग स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते थे जो लखनऊ को न्यूयॉर्क से तुलना करते थे वो सब चीज़ें फेल हैं जरा सा पानी बरसता है तो पता लगा कि लखनऊ में जल भराव शुरू हो जाता है महामारी फैलती है तो उसकी साफ़ सफाई में फिसड्डी हो जाता है नगर निगम अब अपना ही मेयर अपने ही नगर आयुक्त पर आरोप लगा रहा है अच्छा नगर आयुक्त का भी इस समय चूंकि सीना चौड़ा है जब सरकार से पीठ पे हाथ रख दिया जाता है तो अधिकारी नेताओं को कुछ नहीं समझते और इसकी में अधिकारी अपना काम खूब करते हैं सरकार में पूछे जाने पर वो जनप्रतिनिधियों को ही उल्टा सीधा और झूठा बता देते हैं कि जबरदस्ती काम के लिए दबाव डालते हैं फर्जी पेमेंट करवाना चाहते हैं ठेका पट्टा दिलाना चाहते हैं लेकिन जब आपको सीधे भाई एनटीपीसी के पावर हाउस से बिजली मिल रही है त्रिपाठी जी को तो मेयर और सभासद और विधायक विधायक को क्या समझेंगे कि उनका उनको छोटा मोटा ट्रांसफार्मर और ये छोटे मोटे सब स्टेशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते तो ये सरकार में जो अफसरों को लेकर रवैया है वो जनप्रतिनिधियों को परेशानी का सबब बना हुआ है अब बात फिर वही आ जाती है कि एक मेयर के पास हजारों आदमी पहुंचता है साफ सफाई नाली खड़ंजा और तमाम सारी चीजों को लेकर बिजली तो वो तो जनप्रतिनिधि है वो तो सबके लिए सुनेगा लिखेगा ठेकेदार की भी बात सुनेगा कर्मचारी की बात सुनेगा निगम के हित की भी बात करेगा अफसर थोड़ी है कि सरकारी खजाने से रुपया लिया और सारे पावर तो अफसरों के हाथ में होती है दस्तखत उनको करना है किसको उपकृत करना है किसको झूठा बताना है इंद्रमणि त्रिपाठी लखनऊ नगर निगम में जब से आए हैं विवादों में हैं कर्मचारियों की उपस्थिति के मामले में वो बहुत कई बार घिरे यहाँ चार हजार कर्मचारियों की संख्या थी उसको उन्होंने बढ़ाकर छः हजार किया चूँकि नगर आयुक्त तो अफसर होता है वो सीधे अफसर मंत्री मुख्यमंत्री और पंचम तल तक उसकी पहुँच है तो स्वाभाविक है कि नेता झूठे साबित हो जाएंगे बहरहाल अफसर सरकार के लिए जब जब इम्पोर्टेंट हुए हैं जब जब दुलारे हुए हैं तब तब सरकारों का नुकसान हुआ है क्योंकि सरकारों सरकारें वोट से चलती हैं पाँच साल के बाद चुनाव होता है और वोट जनप्रतिनिधि दिलाते हैं जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं वोट उनको मांगना होता है जवाबदेही उनकी होती है तो ये देखना ये ज़रूरी है कि जो अफसर बात कर रहा है वो सही है या जो मेयर आरोप लगा रही वो सही है इस मामले में अब एक गंभीर जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि ये झगड़ा रोज रोज का हो चला है विपक्ष में रहकर जिस लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है सत्ता मिलते ही वो सारे नियम कानून और आदर्श उनको तिलांजलि दे दी जाती है सत्ता का चरित्र ही ऐसा है कि विपक्ष में रहकर बड़ी बड़ी बातें करिए और सत्ता में आ जाइए तो सिर्फ अपना हित और कहाँ कितना फ़ायदा हो रहा है ये देखिए बात बार बार इसलिए आती है क्योंकि जब राजनीति में उच्च कोट की बात करके उच्च आदर्श की बात करके लोग सत्ता में आते हैं और वही सब काम करते हैं जिसको जनता ने नकारा होता है जिसके आधार पर उनको वोट दिया होता है तो बात खटकती है मामला विधायकों के दलबदल से जुड़ा है उत्तर प्रदेश में मामला भाजपा के समर्थन से जुड़ा है अगर राजस्थान में बसपा के विधायक दल बदल करते हैं कांग्रेस में जाते हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तीन विधायक भाजपा के समर्थन में खड़े हैं और दल बदल करके उनके मंचों पर जाते हैं रैली करते हैं कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वो सदस्य बने हुए हैं ये लोकतंत्र का सम्मान है गिनती से उदाहरण सहित सुनिए राकेश सिंह और अदिति सिंह कांग्रेस के विधायक हैं रायबरेली से दोनों के खिलाफ कांग्रेस ने याचिका डाली विधानसभा में याचिका पे लंबी सुनवाई चली सालों और उसके बाद वो खारिज हो गई और दोनों की सदस्यता बची हुई है दोनों विधायक भाजपा के निकट हैं तीसरा उदाहरण फिर आया दिनेश सिंह जो उस कांग्रेस के एमएलसी हैं रायबरेली से वो भी जो कांग्रेस के एमएलसी रहते सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े दल बदल के तहत उनके खिलाफ विधान परिषद में याचिका डाली गई दीपक सिंह जो कांग्रेस के एमएलसी हैं उनकी ओर से और अब वो याचिका भी खारिज हो गई तकनीकी आधार बताते हुए लेकिन यही एक उदाहरण और है जब बसपा के एमएलसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस के मंचों पर नजर आने लगे तो उनके खिलाफ जो याचिका हुई उस पर फैसला हो गया और नसीमुद्दीन की सदस्यता चली गई अब वो विधायक नहीं रहे तो जो अपना दल छोड़कर दूसरी पार्टी टिकट लेकर लोकसभा चुनाव लड़ा हो उसकी सदस्यता बची रहेगी और जो कहने का साफ मतलब यह है कि कोई भी दल का विधायक अगर बीजेपी के समर्थन में जाएगा तो उसकी सदस्यता बची रहेगी और बीजेपी के बजाय कांग्रेस सपा या बसपा की तरफ जाएगा तो वो उसकी सदस्यता चली जाएगी वो विधायक नहीं रह जाएगा ये बीजेपी की सरकार में इस तरह के काम की लोग उम्मीद नहीं करते थे क्योंकि एक एमएलसी से एक विधायक से भी सरकार का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है सरकार बहुमत में है इतनी भीड़ की उसे ज़रूरत भी नहीं है लेकिन सियासत में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको रोज वोट जोड़ना है रोज वोट बढ़ाना है रोज रोज लोगों को अपने पाले में लाना है सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो कांग्रेस जिंदगी भर यही करती रही और जनता की नज़रों में खलनायक हो गई बीजेपी वो काम क्यों कर रही है एक सवाल यहाँ और भी खड़ा होता है जिसके साथ हम आपको छोड़ जाएंगे कि नसीमुद्दीन अगर कांग्रेस के बजाय बीजेपी का सपोर्ट करते तो क्या आज वो विधायक होते कि नहीं क्योंकि राकेश सिंह अदिति सिंह दिनेश सिंह सब विधायक बने हुए हैं तो बस हमारा सिर्फ इतना कहना है कि नसीमुद्दीन ने भी शायद राजनीतिक चूक कर दी अगर वो बसपा के बजाय जब बसपा उन्होंने छोड़ी थी तो कांग्रेस के बजाय अगर बीजेपी का समर्थन में आए होते तो शायद वो आज एमएलसी भी होते और आगे कोई टिकट भी पक्का हो जाता है या कहीं राज्यसभा वहां भी जाने का जुगाड़ लग जाता है हमारे यूपी की पुलिस भी चैंपियन है कई मामलों में और ख़ासतौर से कानपुर की पुलिस अपराधी पकड़े ना पकड़े लेकिन बकरा पकड़ने में बहुत उस्ताद है और वो भी मास्क न पहनने वाले बकरे को पकड़ना तो और भी गजब की बात है बेकनगंज की जो पुलिस है उसने एक बकरे को गिरफ्तार किया बताया जाता है कि आरोप यह था कि बकरा मास्क नहीं पहने हुए था अब पता नहीं मास्क के नाते किया या बकरा लोगों को परेशान कर रहा था कोई शिकायत आई थी बहरहाल बकरे को पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले गई और काफ़ी देर तक बंद रखा बकरा मालिक आया पूछताछ हुई और बकरा मालिक को सख्त चेतावनी दी गई कि भाई तुम्हारा बकरा फालतू ना घूमे किसी को मारे ना और मास्क पहना के इसको घुमाओ तभी ये बकरा जो है छूटेगा अब देखिए बकरीद है बकरीद के लिए मालिक बकरा लाया था और बकरीद पर कुर्बानी पर सरकार ने सख्ती कर दी तो उस वजह से बकरीद पे तो लोग महीनों पहले बकरा ले आते हैं और वो घूम टहल रहा था किसी को उसने दौड़ाया होगा अब पुलिस से शिकायत का बहाना मिल गया लोगों को अब पुलिस करे भी क्या पुलिस के पास और काम भी कितना है क्योंकि यहाँ तो अपहरण हुआ फिरौती मांगी गई पैसा भी ले लो आदमी भी मर गया अपराधी भी नहीं पकड़ा गया तो चलो कम से कम छोटे मोटे जो शिकायत आई उसी निस्तारण कर लिया बकरे पकड़ के कुछ बेकनगंज पुलिस ने अपनी हौसला अफजाई की ये विचित्र तरह के मामले और किस्से आते हैं और पुलिस की भी विचित्रता एक से बढ़कर एक है कभी भैंस पकड़े तो कभी बकरा पकड़े तो तमाम चीज़ों पर कानपुर की पुलिस वैसे भी आजकल काफ़ी बिजी है यूपी पुलिस के एक पूर्व डीजीपी हैं सुलखान सिंह वो बहुत साफ गोई से अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं कई बार सरकार को उनकी बात अच्छी नहीं लगती लेकिन वो बेबाक हैं और अपनी ईमानदारी के लिए कुख्यात हैं सरकार उनकी इस क्षमता को जानती है और इस समय वो उत्तर प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण आयोग के अध्यक्ष भी हैं लेकिन उनकी एक ताज़ा पोस्ट ने इस समय चर्चा बनाए हुए है उन्होंने जो कोरोना काल चल रहा है इसमें जिला अधिकारी और सीएमओ की भूमिका को लेकर एक पोस्ट लिखी है जो चर्चा का विषय बनी हुई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है लोग देख रहे हैं पोस्ट में यह है कि कोरोना काल के जिले के सब अच्छे काम डीएम साहब के हैं और खराब काम जितने हो जाएं वो सीएमओ के संकेत क्या है कि छोटे अफसरों पर कार्रवाई कर दो और जिला अधिकारी को छोड़ दो तो ये अपने आप में सुलखान सिंह की पॉजिटिव मैसेज देती है सुलखान सिंह ने ये पोस्ट क्यों लिखी क्योंकि लखनऊ में बेतहासा कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे लोगों को बेड नहीं मिल रहा था मीडिया में ये चीज़ें वायरल हो रही थी सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए मीडिया ने हंगामा मचाया तो सीएमओ पर कार्रवाई हो गई और नरेंद्र अग्रवाल हटा दिए गए सीएमओ, लेकिन लखनऊ के डीएम बच निकले और मैनेजमेंट में माहिर लखनऊ के डीएम साहब हर जगह फोटो खिंचवाने में जाने जाते हैं और सरकार के इसी तरीके पर इसी रवैये पर सुलखान सिंह ने कटाक्ष लिखा है सुल्तान सिंह इससे पहले बिकरू कांड पर भी एक पोस्ट लिख चुके हैं जिस पर कम लोगों का ध्यान है बिकरू कांड पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से लिखा है कि जब अपराधी और पुलिस की आमने सामने फायरिंग होती है तो उसे मुठभेड़ कहा जाता है लेकिन जब अपराधी पुलिस से भाग रहा हो और एक दूसरे को मारने की होड़ चल रही हो और पीछे से जब गोली में मारी जाए तो उसे पुठ भेड़ कहते हैं मुठभेड़ और पुठ भेड़ पुठ भेड़ शब्द शायद पहली बार आप लोग ने भी सुना होगा हम भी सुन रहे हैं लेकिन पुलिस के इतने बड़े अफसर जिसका जीवन सादगी की मिसाल रहा उत्तर प्रदेश में ईमानदारी पुलिस में उनके नाम से जानी जाती रही उनकी ये सब बेबाक बातें बहुत सारी चीज़ों को आईना दिखाती हैं सुल्तान सिंह को हम सलाम करते हैं उनकी हिम्मत को और उनकी ईमानदारी को उत्तर प्रदेश इन दिनों दो तरह की बड़ी समस्या से परेशान है एक विदेशी है और एक तो इंस स्वदेशी है विदेशी कोरोना है जिसने पूरा उत्तर प्रदेश को परेशान करके रखा है इस बीमारी ने पूरे देश को पूरी दुनिया को और दूसरा कोरोना के बाद क्राइम है इन दोनों से सरकार बेहद परेशान है अब क्राइम की शुरुआत कानपुर के बिक्रू कांड से होती है जहां आठ आठ पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं पुलिस ने उसके बदले में कार्रवाई की अपराधियों पर और काफी को मारा भी उसी कानपुर में बर्रा थाने में संजीत यादव का अपहरण कर लिया गया फिरौती मांगी गई और उसकी हत्या की गई पैसा भी लिया गया जैसा कि आरोप है वो अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि गोरखपुर में एक पान विक्रेता के बच्चे की बेटे के अपहरण करके हत्या कर दी गई यहाँ भी पुलिस नाकाम हो गई उधर से छूटे तीसरे दिन कानपुर देहात में नया मामला आ गया पाल के अपहरण का और हत्या हो गई ये सारे इनकाउंटर अपराधियों पर बेअसर हैं पुलिस लगातार नाकाम होती जा रही है विपक्ष खासतौर से अखिलेश यादव प्रियंका गांधी लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं अब समस्या ये है कि कोरोना की वैक्सीन तो मान लो देर सवेर आ जाएगी लेकिन जो एक क्रा, क्राइम की वैक्सीन है इसे तो सरकार को ही बनाना पड़ेगा ना इसके लिए पुलिस को जरूरी है कि ठीक से सैनिटाइज किया जाए कैसे वैभव कृष्णा प्रकरण आप भूले नहीं होंगे किस तरह से गंदगी फैलाई पहले तो वो दूसरों को चोर कहते रहे पांच आई को निपटा दिया और खुद महिलाओं के साथ किस तरह से वो लिप्त रहे वैभव कृष्णा का प्रकरण लोग भूले बैठे हैं यही डीजीपी साहब उसकी जांच कर रहे थे ठंडे बस्ते खवाले हैं क्राइम शुरू होने के पीछे हमेशा जो कारण रहा वो भ्रष्टाचार अगर एस जिले में जाकर थाने बेचेगा तो थानेदार पहले जाके अपना पैसा जो लगाया है मूलधन वो निकालेगा कि पहले अपराधी पकड़ेगा और मूलधन के बाद फिर कुछ बचाएगा भी आमदनी भी देखेगा अपनी तो ये जो क्राइम का चैलेंज यूपी सरकार के सामने आया है इसमें अपराधियों पर तो सरकार को नकेल कसनी ही है उसको यह भी देखना है कि जो बड़े बड़े आईपीएस अफसर हैं जिनको कानपुर से हटाकर झांसी का चार्ज दिया जा रहा है एक तो दिन खाली नहीं रहेंगे बिना जिले के उन पर भी तो कुछ आप करेंगे कार्रवाई गोरखपुर कानपुर बुलंदशहर सब बड़े बड़े ज़िले चाहिए सबको जो लोग बैठे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है जिनको मौके नहीं मिला काम करने का उधर किसी का ध्यान नहीं और जो पांच पांच छः छः जिला हर रोज़ जिला चाहे जितना बड़ा क्राइम हो जाए उनको जिले में रहना है ये जो भेदभाव है इस सिस्टम से भी पुलिसिंग प्रभावित होती है सरकार जिस अफसर को ईमानदारी के नाम पर तैनात करती है वही ज़िले में जाके बैमानी करने लगता है उसके पास भी कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के चेक कर ले कि अफसर कई परसेंट ईमानदार है कितना ईमानदार है कोरोना की वैक्सीन जब आएगी तब आएगी लेकिन क्राइम पर तत्काल सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और अपराध बढ़ा है उसको रोकने में अगर सरकार नाकाम हुई तो सारा उसका इकबाल इसी अपराध के खिलाफ है इस इकबाल को कायम रखना होगा और यूपी की जनता को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाना होगा बहरहाल इस सप्ताह के पावर सेंटर में इतना ही अगली बार फिर आपसे कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार